हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? अल्लाह पाक का शुक्र, मैं बिल्कुल ठीक ठाक। आप सबकी दुआओं से आप सब कैसे हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो जी फ्रेंड्स, आज हम जा रहे हैं पापा के फ्रेंड की तरफ इनविटेशन देने के लिए। और ये पापा के सिर्फ फ्रेंड ही नहीं बल्कि पापा के बड़े भाई हैं, और पापा ने हमेशा इन्हें अपने हर काम में सबसे आगे रखा है और हमेशा इनको बहुत ज़्यादा इज्जत दी है। हमारे घर में ईद, शब रात, कोई त्यौहार, कुछ भी खुशी होती है, हम इनको सबसे आगे आगे ही रखते हैं। और बहुत खुशकिस्मत होते हैं वो लोग जिनको अच्छे दोस्त मिलते हैं। तो बस उन्हीं दोस्तों में से एक दोस्त है मेरे पापा के, जिनकी तरफ हम अभी बस जा रहे हैं, बल्कि हम आ चुके हैं। कैसे हैं आप? ठीक है? अस्सलाम वालेकुम। इधर दिखाओ। मैंने जाना इनको। वालेकुम अस्सलाम। जी गए। आंटी ने तो आने ही बंद कर दी है। मेरी तबीयत बहुत खराब ना आंटी अंकल, हमारी दुआ को आई जाएगा। नहीं लेकिन आप घर से बाहर निकले फ्रेश हो जाएंगे। बहुत टाइम के बाद जो है हम लोग गए हैं आंटी अंकल के घर। मम्मा पापा तो आते रहते थे और आंटी अंकल भी हर संडे हमारे घर आया करते थे, लेकिन जिंदगी इतनी मसरूफ होती चली गई कि अभी काफ़ी टाइम से ना थोड़ा सा गैप आ गया हुआ था। तो हनी काफ़ी टाइम से जिद कर रही थी कि आंटी अंकल के पास जाना है, इनके घर जाना है, मिलना है। तो बस ये एक इन्विटेशन जो है एक बहाना होता है, एक जाना, मिलना, बैठना। और हमारे में वैसे ही जो है ना इन मौक़ों पे दामादों को बहुत आगे रखा जाता है और बहुत इज्जत दी जाती है। तो इसलिए हनी के साथ जो है सलमान भी थे और मेरे साथ मेरे हस्बैंड भी थे। ज़ईम तो इनके घर फर्स्ट टाइम गए हैं, बल्कि आई थिंक सलमान भी इनके घर फर्स्ट टाइम गए हैं, लेकिन हर शादी ब्याह पे जो है ना मिलते रहते थे। यहाँ पे जी इनविटेशन देकर उनको हमने बोला भी था हम बस थोड़ी देर के लिए आएंगे, कुछ खाएंगे पिएंगे नहीं। फिर भी उन्होंने जो है ना अच्छी खासी हमारे आगे चाय रख दी थी, और उसके बाद जो है एक डेढ़ घंटा बैठे सीधा हम घर आ गए, क्योंकि घर पे आ रहे थे गेस्ट। और वो गेस्ट थे जी मोहसिन के फ्रेंड्स थे, उनकी वाइफ थी। तो घर आते जो है ना फटाफट मैंने खाना बनाना था, आधा काम मैं करके गई थी। सब ने बोला था जी बिरयानी मैं इन सब ने मेरे हाथ की खानी है, तो आधे से ज़्यादा काम मैं करके गई थी। बस आके जो है ना इसके अंदर राइस ही ऐड करने थे। तो बस मैं घर आई हूँ और यहाँ पे आते ही जो है ना फटाफट मैंने इसके अंदर राइस ऐड कर दी है। और मम्मा ने बनाया था कोरमा, साथ में जी शामी कबाब और सैलेड, रायता, नान, ये सब था। यहाँ पे जी बस राइस बन रहे हैं और बहुत मज़ा आया आंटी अंकल के पास। आप कह लें कि ये हमारे ताया अबू ही हैं जिनके पास अभी हम लोग गए हुए थे, और मैंने रियल वॉइस उनकी इसलिए रहने थी क्योंकि मेरा दिल कह रहा था कि मैं उसके ऊपर वॉइस ओवर ना करूं, उसको ऐसे ही रहने दूं जो ओरिजिनल मैंने वीडियो बनाई है, बस उसके अंदर कोई भी चेंजिंग मैं ना लेकर आऊं। और जी यहाँ पे बिरयानी को लग चुका है दम दमादम, जो कि बहुत ही मज़े की बनी थी। खुशबू इतनी अच्छी आ रही थी और इसकी खुशबू के पास सबको लग गई थी और ज़्यादा भूख। तो जी सब कह रहे थे जल्दी से बस खाना लगा दो, टेबल पे खाना लगा दो। तो बस अब जी जल्दी से टेबल पे खाना लगाएंगे और खाना खाएंगे, और उसके बाद जो है ना हम लोग इंशाल्लाह ढुलकी स्टार्ट करेंगे, क्योंकि खुशी को खुशी की तरह मनाना चाहिए और गम को गम की तरह। गम में हम लोग ढुलकी नहीं बजा सकते, खुशी में हम लोग रो नहीं सकते। तो जो खुशी होती है आपको खुशी को खुशी की तरह ही सेलिब्रेट करना चाहिए, और अल्लाह पाक का लाख लाख शुक्र अदा करना चाहिए कि अल्लाह पाक तेरा लाख लाख शुक्र है कि तूने ये दिन हमें दिखाया। और बड़े खुशकिस्मत होते हैं वो माँ बाप जो अपने बच्चों की खुशियाँ देखते हैं। यहाँ पे जी खाना लग चुका है, सब खाना खा रहे हैं, और इसके बाद आज जी मोहम्मद की बर्थडे भी थी, तो ये आप सबने कमेंट बॉक्स में मोहम्मद को विश भी करना है। ओके 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 ओके। सोने वो ग्रीन तो आपका ये कप है ना? But the green color ball. I want it, Lala. Okay. The green color ball. I want it. कौन सा ग्रीन? With the happy face. The green ball with the happy face. Oh, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday dear Mama. Happy birthday. Oh.
मोहम्मद पहले पापा को हिला। आज मैं सबसे पहले मोहम्मद एक बॉल की मैं ले रहा हूँ एक और जो यहाँ पे ढोलकी स्टार्ट कर तो दिया लेकिन किसी को भी गाने नहीं आ रहे थे। मेरी शादी थी तो सबने मुझे कहा था कि चलो जी गाने गाओ, और मुझे ऐसा लगता है कि हर बंदे की शादी पे ना मैं ही गाने गाती हूँ, ढोलकी हनी बजाती है और गाने गाने वाली मैं होती हूँ। यहाँ पे भी बस थोड़े थोड़े गाने गा रही थी तो सब मेरे पीछे पीछे गाने गाते थे। तो चले जी आज के ढोलकी जो है स्टार्ट करते हैं। जो भी शुगल मेला छोटा मोटा लगा है वो आपके साथ में शेयर करती हूँ। Oh,
इसका गिफ्ट बड़ा खतरनाक था। ट्रे का है, ट्रे लेकर आओ। तो जो फ्रेंड्स ढोलकी जो है वो बज रही थी, सब जो है मज़े मज़े के गाने गा रहे थे, जो कि किसी को भी पूरा नहीं आता था, लेकिन फिर भी सब कोशिश करते थे एक दूसरे को देखकर। और इसके लिए भी प्रैक्टिस चाहिए होती है गानों की। एक पेपर पे लिखना पड़ता है कि जी इस गाने के बाद ये वाला गाना गाना है, चाहे आता हो या ना आता हो, दो दो लाइनें क्यों ना आ जाए। और ढोलकी में वैसे भी ये होता है कि आपको जब एक लाइन आप रिपीट करते हो तो आपको वो दो दफ़ा रिपीट करनी होती है, यानी कि एक ही दफ़ा लाइन रिपीट करके आप नेक्स्ट लाइन नहीं गा सकते। दो दफ़ा रिपीट करोगे तो ही जो आपकी ढोलकी भी अच्छी बजती है और गाना भी थोड़ा लंबा हो जाता है। तो यहीं पे जी आज का भी व्लॉग एंड करती हूँ गर्मा गर्म चाय के साथ। और सर्दियों में चाय जितनी दफ़ा भी मिले उतनी दफ़ा कम है। अभी सब मेहमान भी जा चुके थे क्योंकि सुबह के 4 बज रहे थे, और अभी नमाज़ में भी काफ़ी ज़्यादा टाइम था क्योंकि नमाज़ जो है ना अब यहाँ पे होती है 5:45 बजे। तो अभी हम लेटते हैं, थोड़ा सा रेस्ट करते हैं, और अब मुझे दीजिए इजाज़त। नेक्स्ट व्लॉग में मिलते हैं, अपने दुआ में रखिएगा याद। अल्लाह हाफिज़।